टिश्यू जो मैं नजर आ रहा हूँ। स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स, वो एक आपको कर्व दिखाया था निगस, ये स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स। ये भी हमें क्या किया कि ब्लीडिंग पॉइंट को ग्रैब करने के लिए हमने हीमोस्टेसिस करनी है तो उसके लिए यूज करना। अब ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ये इसमें क्या बना हुआ है, एक अंदर ग्रूव सा बना हुआ है, हाथ नहीं लगा सकते मेरा भी, स्टरलाइज नहीं है ये, स्टरलाइज होते तो हमें वो यूँ ना देते। देख ये देख लेना, इसके अंदर ग्रूव सा बना लेना, ठीक है ना, ये ग्रूव सा बना हुआ। ये क्या है, नीडल होल्डिंग फोर्स है, ठीक है, नीडल को पकड़ के हम, हमने गसिश लगाना तो इसमें हम पकड़ते हैं, नीडल होल्डिंग फोर्स। ये सारे ना लॉक हो जाते हैं, ये देख ना ये लॉक हो जाते हैं, फिर इनको हमने खोलना तो यूँ करके खुल जाते हैं, ये एक दो तीन, ठीक है, सारे लॉक, बहुत सारे लॉक। आर्टरी फोर्सेस हमेशा लॉक होने वाली होती है, ठीक है, कि हमने आर्टरी को ग्रैब करके उसको होल्ड करना होता है। देखिए टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेस में ये मैकेनिज्म नहीं है, फेरेंजियल सक्कर, फेरिंग्स में अगर हमने सक्शन करनी है तो हम इस सक्कर नोजल से करते हैं, ठीक है, इसकी आपने देखा ऐसे बनी हुई है ब्लंट सी एंड ताकि इंजरी ना करे। अब हमारे पास दो किस्म के सीजर है, ये एक होती है कर्व सीजर, इसको कहते हैं म्यूज सीजर, ये सर्जन सीजर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सर्जन सीजर, और दूसरी स्ट्रेट सीजर, ये हमारी थ्रेड वगैरह काटने के लिए यूज़ होती है, ठीक है, इससे हम डाइसेक्शन कर सकते हैं, चीज़ टिश्यू को कट कर सकते हैं, ये क्या है, कर्व सीजर है, सर्जन सीजर। ये क्या है, फोर्सेप्स है, ठीक है ना, एंगल फोर्सेप्स है, ये हम क्या करते हैं, ब्लीडिंग पॉइंट को ग्रैब करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये क्या है, टॉवल क्लिप, यानी कि जो हमने ऊपर शीट्स वगैरह डाली हैं तो उनको हमने एंकर करना है किस चीज़ का, तो उसको हम पकड़ लेते हैं, इसमें भी लॉक लगा होता है, टॉवल क्लिप, ठीक है। ये है किडनी ट्रे और ये है बाउल, ठीक है, अब वहाँ से इंस्ट्रूमेंट फारे होंगे ना, आपको नोज के भी करा, किडनी ट्रे,